हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सबका। मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, अच्छा लगता है ये जान के। देखिए दोस्तों, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है बनास नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, ये देखिए रिवर दिख रही है आपको यहाँ पे। ठीक है, बनास की सहायक नदियाँ, और बनास का मतलब क्या होता है? बन की आशा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए वन है, देखिए वन, ठीक है, हरा भरा वन है। ठीक है, ये देखिए पेड़ लगे हुए हैं, हरा भरा वन है यहाँ पे चारों तरफ। तो इस वन में क्या हो गया है? नाश हो गया है। नाश किस चीज़ का हो गया है? आपके जो प्लान था उस प्लान का पूरा नाश हो गया दोस्तों। अब इसके अंदर क्या मैं बता रहा हूँ, क्या हो रहा है इसके अंदर? पहली बात तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट हमें लिखिए, उससे हम मोटिवेट होते हैं और आप तक हमारी मतलब की कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरह से आपको समझा पाएँ। अब दोस्तों देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है इस वीडियो के अंदर, कि वन है, देखो हरा भरा वन है। इस वन में देखिए क्या हुआ है कि इस वन के अंदर ये नदी बह रही है, देखिए बनास नदी। ठीक है, अब इस वन के अंदर क्या हो रहा है कि एक कोठे वाली नृत्यांगना, ठीक है, एक कोठे वाली नृत्यांगना नृत्य करने आई हुई है। ठीक है, तो सभी युवाओं में एक वो होता है कि हम भी नृत्य देखें, तो इस कोठे वाली नृत्यांगना का नृत्य देखने के लिए आप आए थे बच्चों। ठीक है, तो इस कोठे वाली नृत्यांगना का नृत्य देखने के लिए आप आए हो, और यहाँ पे क्या है, देखो कोठे वाली नृत्यांगना का नृत्य देखो, इसका मतलब कोठारी रिवर। ठीक है, और जैसे कोठे पे आमतौर पे क्या मिलती है? मदिरा मिलती है, पर यहाँ पे क्या मिलती है? खारी। खाने के लिए क्या मिल रही है? खारी। ये चाय के साथ खाते हैं बच्चों, आप जानते हो, तो खारी खाने के लिए मिल रही है, तो खारी रिवर। ठीक है, अचानक से आपकी मासी को मालूम पड़ा कि आप कोठे की नृत्यांगना का नृत्य देखने गए हैं। ठीक है, तो मासी को गुस्सा आया, और मासी देखिए रेल के अंदर बैठ के आपको पिटाई करने आई है, मोरेल। ठीक है, रेल में बैठ के आई है पिटाई करने, और देखो ये मोरेल इस रेल में बैठ के पिटाई करने आई, और देखिए आपको पीट रही है। कौन पीट रही है? मासी। ठीक है, तो मानसी रिवर, ये देखिए पीट रही है। ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह दिखा देता हूँ कि आपको देखो किस तरह से पीट रही है, ये देखिए, या आपको देखो बहुत बुरी तरह से पीटा है मासी ने, ये देखिए बहुत बुरी तरह से, आप चिल्ला रहे हो और आपकी मासी आपको पीट रही है। ठीक है, तो रेल में बैठ के कौन आई है? मासी, और बहुत बुरी तरह से आपको पीट रही है। इतनी बुरी तरह से आपको पीटा है आपकी मौसी ने, और देखो कितनी बुरी तरह से पीटा है। पहले आपको क्या है, बेड़ियों से बांधा बच्चों, ये देखो बेड़, बेड़च, ये बेड़ियाँ दिख रही है। ठीक है, इस बेड़ियों से आपको बांधा है आपकी मौसी ने, और बेड़ियों से बना बेड़च रिवर। ठीक है, और बेड़ियों से पीटा है बांध के आपकी मौसी ने, ये देखिए मौसी आपको पीट रही है बहुत बुरी तरह से। ठीक है, और ये देखिए आपको इतनी बुरी तरह से पीटा है मौसी ने कि गंभीर हालत हो गई है, ये देखिए गंभीर हालत। फिर मासी को दया आई, तो मासी ने आपको हाथ से उठाया और हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया, गंभीर हालत। तो गंभीर हालत से क्या हो गया बच्चों? गंभीरी नदी। ठीक है, तो ये सारा कहाँ हो रहा है? ये सब हो रहा है वन के अंदर। ठीक है, बनास वन के अंदर क्या है, आप कोठे वाली का नृत्य देखने गए हैं, वहाँ पर आपको खारी खाने को मिली है, रेल में मोरेल के अंदर रेल में बैठ के आपकी मासी आई है, मासी रिवर, मासी ने आपकी पिटाई की है, और बेड़ियाँ बांधी है पहले पैरों के अंदर बेड़च रिवर, और फिर पिटाई की है, और फिर जब आप गंभीर हो गई हालत, तो आपको मासी ने हाथ से उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ये दोस्तों ये रिवर याद करने का एक अनोखा तरीका है, मैंने मतलब आपको बताया है ऑलरेडी कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो जो भी हमारी सब मनगढ़ंत है, कल्पना एक काल्पनिक है, ये सब कुछ किसी से कोरिलेटेड नहीं है, बस एक याद कराने का तरीका है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको पसंद नहीं आता तो नेगलेक्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और हम जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, टेक केयर।